अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका फिफ्थ क्वेश्चन है पेज नंबर 29 पर। राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स, इसका निशान लगाने के लिए सबसे पहले पेज नंबर 20 पर आएँ। यहाँ पर देखें, आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा शेरशाह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसकी 9 लाइन पर आएँ, उसके लास्ट में देखें ऑल मिलिट्री एंड सिविल पावर। यहाँ से लेकर पैराग्राफ की जो सेकंड लास्ट लाइन है एवरीथिंग हिमसेल्फ, वहाँ तक निशान लगाएं। फिर उसके बाद नीचे देखें, ये लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ये हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे जो टू लाइंस हैं, एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटिवली, यहाँ से लेकर सेकंड लाइन विलेज तक निशान लगाएं। ये दोनों लाइनें आपने इसी के साथ लिख लेनी है। इसके बाद पेज नंबर 24 पर आएं, यहाँ पर देखें आपको हेडिंग नज़र आ रही है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ये आपकी सेकंड हेडिंग होगी, इस हेडिंग को दीजिएगा। तो उसके बाद हेडिंग देने के बाद फिर शुरू से स्टार्ट करें शेरशाह सूरी, यहाँ से लेकर उसकी 1, 2, 3, 4 फिफ्थ लाइन तक आएँ, वाटर टू ट्रैवलर्स तक निशान लगाएं। इसके बाद आगे पेज नंबर 25 पर आएँ, इसके बाद थर्ड हेडिंग आप देंगे इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, और इसमें आप लिखेंगे, यहाँ से निशान लगाएं 1, 2, 3, 4 फिफ्थ, और सिक्स लाइन पर आएँ, उसके लास्ट में देखिए लिखा हुआ है ही और आगे इस्टेब्लिश्ड, फिर यहाँ से लेकर लास्ट तक एजुकेट हिज पीपल तक, यहाँ तक आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल मिलिट्री एंड सिविल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ शेरशाह हिमसेल्फ। मिलिट्री फौजी, सिविल पावर इंतजामी पावर या शहरी ताकत, तमाम फौजी और इंतजामी ताकत शेरशाह के हाथों में थी। एंड ही यूज इट बोथ फॉर द पब्लिक वेलफेयर, और वो इन दोनों को अवामी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करता था। हिज मिनिस्टर्स, उसके वज़रा, वाज हिज असिस्टेंट्स, उसके मामन थे या मददगार के तौर पर काम करते थे उसके साथ। ही फ्रिक्वेंटली कंसल्टेड दीज मिनिस्टर्स बट डिसाइडेड एवरीथिंग हिमसेल्फ, वो इन वज़रा के साथ अमूमन मशवरा करता था लेकिन हतमी फैसला उसका अपना होता था। यानी शेरशाह सूरी की बात हो रही है, क्या वो हमेशा खुद फैसला करता था अपने हर काम में। इसके बाद नीचे आएँ, एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, सरकार, परगाना, तहसील एंड विलेज। सल्तनत को इंतजामी तौर पर सूबे, सरकार, परगाना, तहसील और गांव में तकसीम किया गया था। स्टूडेंट्स, आज का आपका इतना ही होमवर्क है, ये आपने लिखना भी और याद भी करना है। कल इस क्वेश्चन का सेकंड जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।